हेलो एस्पिरेंट्स, सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टेक 10th क्लास इन द सीरीज फॉर द छत्तीसगढ़ जीएस व्हिच वी आर डीलिंग. सो गाइस टुडे वी विल टेक ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज बिलासपुर, बिकॉज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल वे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल वे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज देर आर मैनी फैक्ट्स रिगार्डिंग बिलासपुर. So guys, let's start the district Bilaspur with the word consistency. Consistency. Guys, this is very important word to achieve anything. देखिए, आपको मैं consistency के बारे में एक बात बता दूं. आपको कोई भी चीज, आप एक average आदमी हैं, anybody, everybody is an average person, average. आप एवरेज आदमी हैं और आपको ट्रांसफॉर्म होना है एक्सीलेंस की ओर, एक्सीलेंस की ओर. तो बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी भी ग्रेट सक्सेस नहीं पा सकते, एक्सीलेंस की ओर नहीं जा सकते. इसका मतलब टू ट्रांसफॉर्म, ये रास्ता जो है एवरेज से एक्सीलेंस के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है, वो कंसिस्टेंसी के कारण आप पहुंचेंगे एक्सीलेंस की ओर. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन मेहनत कर रहे हैं, उससे यू कांट थिंक और यू कांट गेट द ग्रेटर सक्सेस व्हाट यू वांट इन लाइफ. सो टू फाइंड द एक्सीलेंस और टू फाइंड द ग्रेटर सक्सेस और टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम अ एवरेज टू अ एक्सीलेंस पर्सन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, नॉट ओनली स्टडी, किसी भी लाइफ के पार्ट में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. टेंट डेली आपको वो काम करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे. चलिए गाइज, सो विद दिस वर्ड लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर विद ड्रॉइंग द मैप ऑफ बिलासपुर. चलिए बिलासपुर का मैप, लेट्स ड्रॉ द मैप ऑफ बिलासपुर. इसको मैं मिटा देता हूँ कंसिस्टेंसी को फिलहाल. चलिए गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द टू इम्पोर्टेंट नो हाँ यस लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है गाइस, तो हम लोग सबसे पहले नेशनल हाईवे बना देते हैं बिलासपुर से क्या क्या पास करता है. सो सबसे पहले आप नेशनल हाईवे 130 बनाते हैं. ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है सेंटर पॉइंट जहाँ से सारे के ये निकल रहे हैं, ये दिस इज बिलासपुर गाइस, दिस इज बिलासपुर. ठीक है, दिस इज बिलासपुर. येलो में जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, ये सारे के सारे नेशनल हाईवे हो गए हैं. तो लेट्स राइट ऑल द नेशनल हाईवे जो जो हमने बना लिया. दिस इज नेशनल हाईवे 130A. ठीक है, ये कवर्धा पंडरिया मुंगेली होते हुए आता है, मुंगेली. ठीक है गाइस, एंटर करता है तखतपुर से. चलिए ये आपका नेशनल हाईवे हो गया NH 130 जो कि अंबिकापुर जाता है. आपको ये रायपुर से दिखा था ना, रायपुर से कटा था और सीधा निकलता है ये. तो दिस नेशनल हाईवे गोज टुवर्ड अंबिकापुर. ठीक है, नेशनल हाईवे 130 हो गया आपका, यही है वो नेशनल हाईवे 130. ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नॉट कन्फ्यूजन ना हो आपको करके. ठीक है, इसमें आपको बिल्हा पड़ता है. बिल्हा इज़ अ ब्लॉक जिसके अंदर बिलासपुर तहसील आता है. बिलासपुर इज़ नॉट अ तहसील, आपको याद रखना है ना, ब्लॉक है वो. बिलासपुर इज अ मतलब ब्लॉक नहीं है, वो तहसील है. दिस इज बिलासपुर सिटी.
रतनपुर, बहुत सारे फैक्ट्स हैं बिलासपुर से, बहुत सारे फैक्ट्स हैं रतनपुर से, ये एन एच 30 आपका आगे निकल जाएगा फिर, ठीक है। फिर ये लास्ट नेशनल हाईवे एन एच 49, ये रायगढ़ जाता है, मस्तूरी यहाँ पे पड़ता है, मस्तूरी। चलिए लेट्स नाउ ड्रॉ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू बिलासपुर सिटी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए बॉर्डर, बॉर्डर पूरा यहाँ पे एक रिवर जाती है, ठीक है, पूरा बॉर्डर जाएगी, ये बॉर्डर बनाती भी है, मतलब बिलासपुर का बॉर्डर जो है एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट की ओर से ये बनाती है, ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ भी एक बॉर्डर ही बॉर्डर, एक आपके पास नदी जाएगी, देखिए एन एक नदी पूरा बिलासपुर के बीचों बीच जाती है, इसीलिए बोला जाता है बिलासपुर किसके तट पे है, पूरा बिलासपुर जो है अरपा, आपने वो गाना सुना है ना, अरपा पैरी के धार, तो यही है बिलासपुर, ये अरपा है, ठीक है। सो गाइस हमने ये बना दिया है, लेट्स राइट द नेम्स ऑफ, ब्लू से लिखते हैं, ये आपका होगा शिवनाथ नदी, ये आके जुड़ती है यहाँ एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे जो कि ताला गांव है, ताला गांव विद द रिवर मनियारी, दिस इज द रिवर मनियारी, ओके गाइस दिस इज द रिवर मनियारी, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मनियारी रिवर, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू गाइस, अरपा, अरपा रिवर, और ये जो आपको रिवर दिख रहा है वेस्टर्न साइड पे जो है वो रिवर लीलाधर है, लीलाधर, दिस वन, ठीक है, लीलाधर के रिवर के इस पे, चलिए रिवर हो गया, हाँ यहाँ मनिया, यहाँ पे आपको मल्हार मिलेगा, मल्हार, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे आपके पास मल्हार से। चलिए फिर ये आप रिवर हमने देख लिया, अभी तक नेशनल हाईवे कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल हाईवे 130 आता है आपका कवर्धा पंडरिया बिलासपुर, ठीक है, तखतपुर होते हुए आता है, एंड द नेशनल हाईवे 130 दैट गोज टूवर्ड अंबिकापुर फ्रॉम रायपुर, ये आता है आपका बिल्हा होते हुए बिलासपुर, और बिलासपुर सिटी से फिर रतनपुर होते हुए निकल जाता है कोरबा की ओर, कोरबा की ओर निकल जाता है, कोरबा की ओर, ठीक है गाइस। नेशनल हाईवे 130 नेशनल हाईवे यहाँ से, हाँ यहाँ से एक और नेशनल हाईवे आपका रतनपुर से निकलता है, दैट इज नेशनल हाईवे 45, ये नेशनल हाईवे 45 है, ठीक है, दिस इज नेशनल हाईवे 45, इसमें आपका केवची पड़ता है, केवची, ठीक है, और ये कहाँ जाता है अंबिकापुर से, सॉरी अमरकंटक, अमरकंटक से आता है ये, अमरकंटक, ठीक। तो अब जैसे बिलासपुर में रेलवे का जोन है, तो रेलवे के हम यहाँ पे बना लेते हैं, कौन से कलर से बनाया जाए बताइए, लेट्स ड्रॉ इट विद रेड, चलिए आज रेड से बनाएंगे हम लोग। सो गाइज रेलवे, ये आपका रेलवे लाइन जाएगी बिलासपुर की, ठीक है, ये रेलवे लाइन चली गई आपकी, यहाँ पे आपको फिर यहाँ आपको पड़ेगा भैंसा झरा, हियर यू विल गेट बेलगहना, हियर यू विल गेट केशला, इसी लाइन के पास पड़ेगा कोटा, कोटा इज ऑल्सो ब्लॉक, हियर यू विल गेट हर्री माइंस, आफ्टर कोटा हर्री माइंस रतनपुर के पास पड़ता है, और आपको खूटाघाट डैम पड़ता है रतनपुर के पास, बहुत अच्छा डैम है, टूरिस्ट प्लेस खूटाघाट, खूटाघाट इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर टूरिज्म, हियर यू विल गेट सीपत, यहाँ एनटीपीसी सीपत है जो कि 2000
2002 में बनाया गया है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 2960 मेगावाट। ये क्वेश्चन पूछता है कब बनाया गया, कितना मेगावाट है। CGPSC जब खेलने पे आता है तो कुछ भी करता है। दे विल राइट, दे विल गिव फोर ऑप्शन, 2961, 2960, 2968, 2958, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड एक दो ऊपर नीचे में। तो यू हैव टू नो प्रिसाइज डाटा ऑल्सो। ठीक है गाइज, अच्छा वी हैव रिटन मस्तूरी, देन यहाँ पे आपको एक लूथरा शरीफ लिख लीजिए। लूथरा यहाँ मज़ार है शरीफ, यर यू गेट मल्हार इन अरपा एंड द न्यूएस्ट तहसील इज सकरी, सकरी देयर इट इज, हाँ सकरी यहाँ पे आएगा सकरी। ठीक है, वी गॉट सकरी, सकरी के नीचे वी गेट कानन पंडारी, कानन पंडारी जू। हमने कौन कौन से जू पढ़ चुके हैं, दो जू हम पढ़ चुके हैं, कमेंट्स में बताएंगे आप लोग, कमेंट्स में बताएंगे गाइस, कमेंट्स में बताएंगे आप लोग। एक हमने क्या पढ़ा था, मैत्री बाग जो था भिलाई पे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, एंड दूसरा क्या पढ़ा था हमने, नंदनवन कुम्हारी के आगे इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कानन पंडारी थर्ड वन, थर्ड जू ऑफ छत्तीसगढ़ आप अभी पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे कानन पंडारी सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी भी एक प्रस्तावित है, प्रस्तावित मतलब प्रपोज्ड, इट हैज बीन प्रपोज्ड हियर, इट विल बी द बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी, बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी। ठीक है गाइस, सो ऑलमोस्ट वी हैव रिटन ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अबाउट दिस व्हाट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इनसाइड द व्हाट क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी नया पूछ सकता है उसमें क्या, रतनपुर एंड सकरी आर टू न्यू तहसील, दो न्यू तहसील हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। एंड गाइस बिल्हा, बिल्हा इज द बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़, नॉट ओनली ऑफ बिलासपुर बट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे बड़ा ब्लॉक है और ये बिल्हा ब्लॉक के अंदर ही बिलासपुर तहसील आता है। बिलासपुर जो आता है ये तहसील नहीं है, याद रखिए, ब्लॉक नहीं है, याद रखिएगा। बिलासपुर जो है ये तहसील है और ये तहसील जो है बिल्हा ब्लॉक के अंदर आता है, एंड बिल्हा ब्लॉक इज द बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़। सो राइट गाइस, अब स्टार्ट करते हैं रतनपुर से। रतनपुर वेरी हिस्टोरिकल प्लेट, कलछुरी डायनेस्टी का पूरा गढ़ है ये। ठीक है, पहला कैपिटल है छत्तीसगढ़ का। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट विद देन रतनपुर। तो यहां कलछुरी डायनेस्टी AD से 1741 AD तक बनाती है। यहाँ रतनदेव वन जी ने इसको स्टैब्लिश किया था, स्टैब्लिश्ड दिस सिटी। ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चन एक पूछता है कि ये सिटी बनी कब, हमने मैंने बता दिया 1050 AD। ठीक है, बट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1045 AD, स्टार्ट हुआ यहाँ से 1045 AD से। ठीक है, 1045 AD से स्टार्ट हुआ और एंड करता है ये 1050 AD में। तो स्टार्टेड कहीं क्वेश्चन ने पूछता है तो 1045 AD होगा। सेकेंड यू कैन राइट फर्स्ट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रतनपुर। महामाया देवी टेम्पल, महामाया फर्स्ट कैपिटल ऑफ सीजी रतनपुर, छत्तीसगढ़ रतनपुर का। नाउ यू कैन राइट महामाया देवी टेम्पल 1050 AD में, ये भी बना है 1050 AD में बाय रतनदेव वन। बिंबाजी भोसले ऑल्सो, यहाँ पे देखिए किसने रूल किया, कलछुरी डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद बिंबाजी भोसले ऑल्सो रूल फ्रॉम हियर। बिंबाजी भोसले ऑल्सो रूल्ड फ्रॉम रतनपुर। रतनपुर ये कब उन्होंने रूल किया, 1757 से लेके 1787 AD। ठीक है, 57 से 1787 AD फर्स्ट इंडिपेंडेंट मराठा रूलर, ही वाज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मराठा रूलर हु रूल्ड फ्रॉम रतनपुर, इंडिपेंडेंट मराठा रूलर, मराठा रूलर। चलिए
फर्दर बिंबाजी भोसले ने क्या मंदिर बनाया, टेम्पल, ही बिल्ड द टेम्पल दैट इज राम टेके टेम्पल रतनपुर में। और क्या है, पंचमुखी शिव मंदिर। फर्दर लखनी देवी एक वीरा टेम्पल, देवी एक वीरा टेम्पल कहाँ है, गंगाधर कहाँ है, कमांडर ऑफ रतनदेव थ्री सत्ती चौरा फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़, सत्ती चौरा फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़ हमने पढ़ लिया, फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़ हुआ था, फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़ ये भी क्वेश्चन में पूछता है। सत्ती चौरा जो बिलासपुर में पढ़ता है, यहाँ फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़ ने सती किया था, दैट शी वॉज उमा बाई। फर्दर रतनपुर फोर्ट गज किला, सो गज किला भी बोला जाता है, गज किला रावण सेक्रीफाइज डियर, रावण हेड वॉज सेक्रीफाइज। चलिए अब और जो छोटे छोटे फैक्ट्स क्या क्या रतनपुर से हैं हम और देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिटी ऑफ टैंक और सिटी ऑफ टैंक टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मणिपुर एट द टाइम ऑफ ताम्र ध्वज, इट वॉज द कैपिटल ऑफ ताम्र ध्वज ना, कैपिटल। हु चेंज द कैपिटल रतनपुर फ्रॉम टू रायपुर, राइट डाउन इन कमेंट, मैंने बताया है, कैप्टन अगेन्यू शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम रतनपुर टू रायपुर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ह्यूज पॉन्ड बाय पृथ्वीदेव वन, हमने एक और पॉन्ड कहां पढ़ा, द बिगेस्ट पॉन्ड ऑफ छत्तीसगढ़ दलपत सागर, बताइएगा आप कमेंट्स में। हेडक्वार्टर ऑफ सूबेदार एट द टाइम ऑफ रतनपुर, एट द टाइम ऑफ कलचूरी रतनपुर था। तो ऑलमोस्ट हमने देखिए यहाँ पे सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू रतनपुर हमने देख लिया है। कलचूरी डायनेस्टी 1050 AD पे से लेके 1741 AD तक था, 1045 AD में द कैपिटल स्टार्ट हुआ था बनना एंड 1050 AD में कंप्लीट हुआ था। इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, महामाया देवी टेंपल जो है रतनदेव जी वन नंबर बनवाया था वहां, कहा 1050 AD में। बिंबाजी भोसले ऑल्सो रूल फ्रॉम रतनपुर, ही वॉज द फर्स्ट मराठा रूलर टू एवर रूल थ्रू फ्रॉम रतनपुर, ठीक है। कब से कब रूल किया था, 1757 AD तक। टेम्पल इन्होंने बनवाया रामटेके टेम्पल। पंचमुखी शिव मंदिर सिचुएटेड इन रतनपुर। लखनी देवी एक वीरा टेम्पल उसको और बोला जाता है। ये कहाँ, गंगाधर ने बनवाया था। हु वॉज गंगाधर, कमांडर ऑफ रतनदेव थ्री के कमांडर थे। ही बिल्ट लखनी देवी एक वीरा टेम्पल इन रतनपुर। सत्ती चौरा सिचुएटेड देयर फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज डन बाय उमाबाई। क्वेश्चन पूछ सकता है हु वॉज शी, तो उमाबाई। रतनपुर फोर्ट को गज किला बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ टैंक, सिटी ऑफ टेम्पल ऑल्सो नोन एज मणिपुर एट द टाइम ऑफ ताम्रध्वज, इट वॉज कैपिटल नेम मणिपुर। कैप्टन अगेन्यू शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम रतनपुर टू रायपुर। ह्यूज पॉन्ड वॉज बिल्ड बाय एट रतनपुर बाय पृथ्वीदेव वन एंड इट वॉज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ सूबेदार्स, ठीक है। चलिए अगला हम क्या पढ़ेंगे, अब तालागांव। इट इज एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ शिवनाथ एंड मनियारी रिवर, हमने देखा मैप में शिवनाथ और मनियारी, ये देखिए ये तालागांव शिवनाथ और यहाँ शिवनाथ आ रही है, दिस इज मनियारी एंड इट इज कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, ठीक है।
फर्दर अब इसके आगे तालागांव मनियारी रिवर के बैंक में, इट इज एट द बैंक ऑफ मनियारी, ये भी क्वेश्चन है पूछा जाता है। अमेरी कापा इज ऑल्सो सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ मनियारी, वो भी तालागांव में है। एंड इट इज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ लेफ्टिस्ट पीपल आर डन, ठीक है। फर्दर यहां रुद्र शिव अष्टमुखी स्टैचू है, शिव अष्टमुखी अष्टमुखी स्टैचू, इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन, रेड सैंडी स्टोन, डिपिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ 11 ऑर्गेनिज्म, पूछता है कितने ऑर्गेनिज्म थे, 11, कहां पे ये कौन से स्टोन से बना है, रेड सैंडी स्टोन, और कहां पे 11 ऑर्गेनिज्म है, तो रुद्र शिव अष्टमुखा अष्टमुखी, ठीक है। देन ओल्डेस्ट टेंपल, ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है बताइए, देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी, ये भी सब तालागांव में जितना हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देवरानी जेठानी टेंपल कौन सा टेंपल है ये बताइए, शिवा है कि वैष्णवाइट है, बेटा शिवाइट है, शिवाइट टेंपल है ये, शिवा टेंपल, शिव टेंपल है ये। इट इज द मोस्ट एंशियंट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़, मोस्ट एंशियंट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़, क्वेश्चन ने पूछता है मोस्ट एंशियंट टेंपल, द ओल्डेस्ट टेंपल ऐसा पूछेगा, कब बना हुआ है ये, 5th-6th century का है, ठीक है। किसने बनवाया, इट वॉज बिल्ट बाय टू क्वींस, टू शरबपुरिया क्वींस, टू टी डब्ल्यू लिखना है, टी ओ डब्ल्यू लिखना, टू शरबपुरिया क्वींस, सॉरी क्वींस, इट वॉज बिल्ट बाय बिल्ट बाय रेड सैंडी स्टोन, रेड सैंडी स्टोन से बना हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन से टाइप का आर्ट, आर्ट यहाँ पे आपको डिपिक्ट करता है ये टेंपल जो है देवरानी जेठानी टेंपल, तो इट डिपिक्ट्स द गुप्ता एरा का आर्किटेक्चर, ओके गाइस। देखिए देवरानी जेठानी, देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार से बनते हैं, आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि देखिए आप देवरानी जेठानी टेंपल पढ़ लिए, पहला क्वेश्चन कौन से टाइप का टेम्प, कौन से भगवान है यहाँ, तो शिव टेंपल है, कहाँ सिचुएटेड है, सेकंड क्वेश्चन तालागांव, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट एंशियंट एंड ओल्डेस्ट टेंपल कब बना, फोर्थ क्वेश्चन 5th-6th century किसने बनवाया, टू शरबपुरिया क्वींस ने बनवाया, कौन से टाइप के स्टोन से बना है, सातवां क्वेश्चन रेड सैंडी स्टोन, और कौन से टाइप का आर्किटेक्चर है, आठवां क्वेश्चन। देखिए इस चार लाइन से, इस चार लाइन से आठ क्वेश्चन बनते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट्स आप देखिए, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है और सारे पूछे भी जाएंगे आगे। सो गाइज यहाँ पे हम कंप्लीट हो गया हमारा तालागांव, वी हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम तालागांव, क्या क्या देख लिया हमने, जंक्शन पॉइंट, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ शिवनाथ एंड मनियारी, अमेरी कापा देख लिया हमने, रुद्र शिवा अष्टमुखी देख लिया, देवरानी जेठानी टेम्पल देख लिया। अब फर्दर वी विल गो टूवर्ड्स मल्हार, मल्हार एंशियंट नेम ऑफ मल्हार वॉज प्रसन्न पूर्व, ये सब हिस्ट्री में आप रिपीट पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको बाद में। इट वॉज बिल्ड बाय प्रसन्न मात्र, मात्र ही वॉज विष्णु भक्त, भक्त। मल्हार इज एट द बैंक ऑफ लीलागढ़, ठीक है। मल्हार इज रिलीजियस साइट, इट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल प्लेस, ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल प्लेस। गाइज यू ऑल आर राइटिंग एंड मेकिंग द नोट्स, डू मेक नोट्स प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे तो डू मेक नोट्स प्लीज। चलिए फिर आगे, चतुर्भुजी, चतुर्भुजी विष्णु, द ओल्डेस्ट स्टैच्यू ऑफ चतुर्भुजी विष्णु इज फाउंड एट मल्हार, बिल्ट बाय
बिल्ट एट द टाइम ऑफ सॉरी एट द टाइम ऑफ मौर्यन बूढ़ी खार में है ये, ठीक है। फर्दर यहां पे डिंडेश्वरी देवी टेंपल, डिंडेश्वरी देवी टेंपल है, इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ शाइनिंग ब्लैक ग्रेनाइट रॉक। तो क्वेश्चन आप कैसा पूछेगा, देखिए तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपको, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि समझ आना चाहिए पढ़ते टाइम नोट से क्या क्वेश्चन बनते हैं कैसे। डिंडेश्वरी देवी टेंपल इज सिचुएटेड, महादेव आपके पढ़ते हैं, दैट इज पतालेश्वर महादेव। और यहां एक जैनी रिलीजियस बोला ना, मैं रिलीजियस साइड हिस्टोरिकल मैंने बता दिया, ये हिस्टोरिकल हो गया आपका, ये रिलीजियस अभी आपको बता रहे हैं हम, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल साइट भी हो गया, ये हमने बता दिया बिल्ट ये वाला आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया। तो जैन टेंपल भी है यहाँ पे, परगनिया जैन टेंपल इज सिचुएटेड हियर, हियर वी नो हियर वी गो गेट नॉलेज अबाउट ऋषभदेव जी, ठीक है, एज द आइडल ऑफ ऋषभदेव जी इज फाउंड हियर। फर्दर गाइज आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कोनी में भी एक दो चीजें हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट आईटीआई ऑफ छत्तीसगढ़ यहां पे था, फर्स्ट आईटीआई 1904 में यहां बनाया गया है। और दूसरा आप देख सकते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली, ठीक है। फर्दर गाइज बिलासपुर, अब बिलासपुर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, बिलासपुर इटसेल्फ इज हैविंग लॉट्स ऑफ फैक्ट, इसके बाद फिर ज्यादा नहीं बचा है। चलिए 1861 में बिलासपुर वॉज मेड डिस्ट्रिक्ट, फर्दर 1956 में इट वॉज मेड डिविजन, और 1981 के बाद ये टूटने लगा। बिलासपुर इज नेम्ड आफ्टर बिलासा बाई केवाटिन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप बताइए मेरे को कमेंट में, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुडिशियल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, नगर निगम है छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम है, 14 नगर निगम में एक नगर निगम इज बिलासपुर, इट इज हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। बोदरी हाईकोर्ट इज सिचुएटेड हियर, हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज 19th ऑफ द स्टेट एंड इट इज फर्स्ट ई कोर्ट ऑफ स्टेट, सॉरी, ठीक है, 19th ऑफ द स्टेट एंड ये बता दिया मैंने। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, 16th जोन ऑफ छत्तीसगढ़ सॉरी इंडिया। यहाँ SECL पड़ता है, SECL 2003 में इस्टेब्लिश हुआ है एंड इट इज हेडक्वार्टर है इसका, हेडक्वार्टर। बिलासपुर इज एट द बैंक ऑफ अरपा, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बैंक ऑफ अरपा रिवर, ओके। बिलासपुर यूनिवर्सिटी इज देयर इन अटल नगर, सीवी रमन यूनिवर्सिटी एट कोटा, सिम्स बिलासपुर है, सिचुएटेड इन बिलासपुर। हम सब पढ़ेंगे एजुकेशन, जब पढ़ेंगे सारी चीज़ें रिपीट होंगी। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी आई हैव टोल्ड यू गाइस, ठीक है। फर्दर कानन पंडारी जू आई हैव टोल्ड ऊपर, फिर लूथरा शरीफ में मजार है आई हैव टोल्ड यू, हर्री माइंस यार देखिए, ये लूथरा शरीफ बता दिया मैंने, ये मजार है, दिस इज कानन पंडारी आई हैव टोल्ड यू, कानन पंडारी में बर्ड सेंचुरी प्रपोज हुआ है, बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी ये कानन पंडारी जू है। फर्दर हर्री माइंस में डोलोमाइट लिख दीजिएगा नोट्स में, डोलोमाइट यहाँ पे मिलता है एंड इट इज सप्लाइड टू BSP बिलाई स्टील प्लांट को। डोलोमाइट कहाँ से सप्लाई होता है, तो हर्री माइंस से होता है, ठीक है। फिर अगला क्या हो गया, केशला
ला, इट इज ऑल्सो नोन एज शिव काशी ऑफ छत्तीसगढ़। मैच बॉक्स, यहां पे मैच बॉक्स सेंटर, मैच बॉक्स बनते हैं माचिस, मैच बॉक्स, ठीक है। ऑल्सो कैपिटल ऑफ कुश था, लव एंड कुश हमने पढ़ा था टुटूरिया, लव कैपिटल ऑफ कुश, तो कुश का कैपिटल वॉज केशला। फर्दर डागोरी, तिफरा में काली टेम्पल है, टेम्पल, बेलगहना में सिद्धा बाबा टेम्पल। बहुत सारे फैक्ट है आई नो दैट गाइज, बट ये अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग टेम्पल्स अलग से सब चीजें रिपीट होंगी, तो यू ऑल गाइज विल अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है अभी जो नोट्स बन रहा है। ऑल्सो हियर इज महाकालेश्वर टेम्पल। अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया, ठीक है। यहां चार इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ते हैं, फर्स्ट इज तिफरा, सेकेंड इज सिलपरी, फिर उसके बाद सिरगिट्टी, सिरगिट्टी इंपॉर्टेंट है, यहां फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर सिरगिट्टी में, ठीक है। और आखिरी है डागोरी, डागोरी। अच्छा इतना कुछ हमने, तो गाइज ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड बिलासपुर, और कोई फैक्ट बचा है क्या, और कोई फैक्ट बचा है क्या? हाँ चलिए एक फैक्ट हम और देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट, एयरपोर्ट। पहला एयरपोर्ट हमने देख लिया था माना में, वीर नारायण सिंह जी के नाम पे था। सेकेंड एयरपोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ये बिलासपुर में है, चकरभाटा, चकरभाटा एरिया में है, चकरभाटा एरिया में। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एयरपोर्ट, बिलासा देवी केवाटिन, केवाट, बिलासा देवी केवाट एयरपोर्ट, चकरभाटा बिलासपुर। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, सो थैंक यू।